नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर पूर्व विधानसभा में AIMIM का शंखनाद हो गया। जबलपुर में AIMIM के प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर जी पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता 224 बूथों में डटकर कार्य कर रहे हैं और कल से पूरे विधानसभा में रैलियां निकाली जाएंगी और इस दौरान सभी को बताएंगे कि हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और नौजवानों को और बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए। विधानसभा में MIM का शंखनाद हो गया है। MIM चुनाव लड़ने जा रही है और हमारे प्रत्याशी हमारे बड़े भाई सम्मानी गजेंद्र सोनकर जी हैं जो इस पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और एक एक बूथ 224 बूथ हैं, एक एक बूथ में मुस्तैदी के साथ हमारे आदमी अंदर से काम कर रहे हैं और कल से इंशाल्लाह पूरे विधानसभा में रैलियाँ निकाली जाएंगी और रैली के माध्यम से घर घर हम जनसंपर्क करेंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। हमारा एक ही मकसद है, एक ही संकल्प है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और नौजवान जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार की तरफ लाया जाए। अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तीसरा, तो हम लोग एक ही पार्टी चुनते थे, BJP को तो खाए हम लोगों ने कभी वोट ही नहीं दिया, कांग्रेस को वोट देते आए थे। अब इंशाल्लाह बदलाव का वक्त है। MIM दलित मुस्लिम और वंचित शोषित लोगों की बात करती है, उनके हित में बात करती है और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानती है ये पार्टी, इसीलिए हम इस पार्टी के साथ हैं। और एक एक युवा, एक एक नौजवान, एक एक माँ बहनों से इस बात के लिए हमें भरपूर प्यार मिल रहा है कि आप जाइए भैया, इस बार इंशाल्लाह MIM का ही विधायक चुना जाएगा पूर्व विधानसभा से। इसी भरोसे के साथ हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे बड़े भाई गजेंद्र सोनकर जी के ऊपर विश्वास जताया है कि आप पूर्व विधानसभा से इंशाल्लाह विजयी होकर आएंगे। जय हिंद। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।